आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन सारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस है। कल भी 13 अप्रैल को सारे देश ने बैसाखी का पर्व मनाया था और एक महत्वपूर्ण इतिहास की घटना भी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निर्दोष देशभक्तों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। ऐसे हुतात्मा देशभक्तों को भी हम नमन करते हैं। बंधुओं, आज के इस पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कुछ विचार रखूं, इसके पहले आज एक वैश्विक महामारी से देश गुजर रहा है। ऐसे समय हम सब लोग लॉकडाउन का दृढ़ता से पालन करें, स्वयं को संक्रमण से बचाए रखें व दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अपना देश अत्यंत गौरवशाली और श्रेष्ठ देश रहा है। कहा जाता है, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन में, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी दुनिया को दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ऐसा अपना परम प्रिय राष्ट्र रहा है। बंधुओं, सब प्रकार की परिस्थितियों में भी जूझता हुआ देश खड़ा रहा, इसका कारण क्या है? हमारे देश में हर समय जब जब संकट आया, अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। उन्होंने समाज को संकटों में से बाहर निकालने का प्रयत्न किया। ऐसे ही महामानव पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर में ऐसे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीम रखा जाता है। यही बालक आगे चलकर सारे देश में पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में विख्यात होते हैं। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है कि वे दलित चिंतक थे, संविधान निर्माता थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन, उसका व्यक्तिमत्व बहुआयामी था। हम सब जानते हैं कि वे एक अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे, राजनेता भी थे, वे शिक्षाविद भी थे। अर्थ के क्षेत्र में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक ग्रंथ शोध भी किया था उन्होंने। ऐसे और महत्व की बात यह है कि समाज के अंदर व्याप्त जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के बारे में आज हम विचार करेंगे। जिस प्रकार बाबा साहब का जन्म होता है, बाल्यकाल से ही उनको अपमान, तिरस्कार व सब प्रकार से उपेक्षा से गुजरना पड़ता है। जैसे बालक का मन होता है अन्यों के साथ खेलें कूदें, वह भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसके साथ खेलता नहीं है। जिस स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी उनको सबके साथ बैठने नहीं दिया जाता है। जहाँ अन्य विद्यार्थियों के जूते चप्पल रहते हैं, वहाँ पर उसको बैठकर पढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। जहाँ पर लोग पानी ग्रहण करते हैं, उस नल का वो उपयोग नहीं कर सकते थे। ऐसे हर एक समय अपमान और तिरस्कार से उसको सामना करना पड़ा। माताजी अस्वस्थ हो गई। माताजी की बीमारी को ठीक करने के लिए कोई चिकित्सक उनके घर आना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में माताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में से माताजी की छाया उड़ गई। वे सोचते थे
कि आखिर ऐसा क्या है, डॉक्टर क्यों नहीं आना चाहते हैं घर में, कोई भी सामग्री फेंक करके क्यों देते हैं, ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन में उठते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार किया, माताजी जिस बीमारी से गई है, जिस रोग से गई है, उससे बड़ा रोग तो समाज को लगा हुआ है, ऐसे इस समाज के रोग को दूर करना ही पड़ेगा, उसका निदान करना ही पड़ेगा। वे संकल्प लेते हैं और पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, विदेश भी जाते हैं, सोचते हैं कि पढ़ाई करने के बाद ये जो समाज के अंदर अपमान है, तिरस्कार है मेरे प्रति, वह शायद दूर हो सकेगा। पढ़कर आते हैं सिंडहोम कॉलेज में, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक होकर के आते हैं, किंतु वहाँ भी दृश्य वैसा ही था। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उनको प्यास लगती है, घड़ा के पास जाते हैं, जैसे ही घड़ा के पास जाते हैं तो बवाल मच जाता है, अरे घड़े को हटाओ, उसको फोड़ो। बस हम बैठ कर दुखी हो जाते हैं, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। इतना ही नहीं, जब बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं, उच्च पद पर वहाँ काम करते रहते हैं, वहाँ उनको रहने के लिए मकान किराए पर भी उपलब्ध नहीं होता है, अंत में एक पारसी लाज में जा करके कमरा नाम बदल करके रहते हैं, और जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक तथाकथित अस्पृश्य समाज का व्यक्ति काम करता है, होटल मालिक पर उन्होंने दबाव डाला समाज के लोगों ने, और उनको खाली करवाने के लिए बाध्य कर दिया गया। एक पेड़ के नीचे बाबा साहब अम्बेडकर आंसू बहाते हुए कहते हैं, आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मन के अंदर संकल्प लिया कि इस समाज के अंदर जो अन्याय हैं, कुरीति हैं, उसको जरूर दूर करने के लिए मैं संघर्ष करूँगा, प्रयास करूँगा। उनके संघर्ष की कहानी लंबी है, किंतु फिर भी कुछ बातों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक लगता है। बंधुओं, 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, महाड़ के स्थान पर एक चौदार तालाब, जिस तालाब का पानी अत्यंत स्वच्छ और अत्यंत मीठा ऐसा माना जाता था, सब लोग उस तालाब में जाते थे, पानी पी सकते थे, किंतु तथाकथित अस्पृश्य समाज के बंधुओं के लिए उस तालाब में जाना, उसका पानी पीना वर्जित था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया, हजारों लोग वहाँ पर गए, उसके सामने उन्होंने 3 प्रश्न रखे, इस गांव में रहने वाले सब लोग इस तालाब में जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं, क्या हम मनुष्य नहीं हैं? दूसरा प्रश्न करते हैं, इस गांव में रहने वाले पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली वो भी जा करके उस तालाब में स्नान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं, क्या इस गाँव में पलने वाले पशु पक्षी वे भी हमसे श्रेष्ठ हैं? और तीसरा प्रश्न करते हैं, हमारे अपने घरों पर पलने वाले कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी वो भी उस तालाब में जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किंतु हम नहीं, क्या हमारे अपने घरों में अपने टुकड़ों पर पलने वाले पशु पक्षी वे भी हमसे श्रेष्ठ हो गए? बंधुओं, इस समाज के सामने इस प्रश्न का उत्तर सबको ढूंढना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। बंधुओं, मुंबई के अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह भी उन्होंने किया, अंबा देवी मंदिर देवी का मंदिर है, वहां सबको प्रवेश मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुत्व पर केवल अस्पृश्यों का ही अधिकार है? अस्पृश्यों का अधिकार नहीं है, अस्पृश्यों का भी उतना ही अधिकार है हिंदुत्व पर जितना अस्पृश्यों का है। क्या यह सच नहीं है कि वाल्मीकि, चोखा मेला और रैदास का उतना ही योगदान है जितना ब्राह्मण वशिष्ठ, क्षत्रिय श्री कृष्ण और वैश्य हर्ष का है? क्या हम वारकरी तुकाराम और संत तुलसीदास में हम कोई भेद कर सकते हैं क्या? संभव नहीं है। उन्होंने कालाराम नासिक के राम मंदिर में भी सत्याग्रह किया, धरना दिया, राम का मंदिर सबके लिए खुला होना चाहिए, सबके लिए वहां प्रवेश होना चाहिए, किंतु तथाकथित कठमुल्ले और ऐसे लोग जो समाज को विभाजित करना चाहते थे, उन लोगों ने राम का मंदिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बंद कर दिया, उस समाज के लिए बंद कर दिया, उसके लिए उन्होंने धरना दिया। वहाँ पर पूज्य शंकराचार्य कुत्तकोटी भी थे, किंतु उनको भी अपमानित होना पड़ा। ऐसे अनेक प्रसंग हैं उनके जीवन में जब पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ, समाज की एक रस्ता के लिए, समाज की समरसता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण विरोधी थे,
बंधुओं, वे किसी के विरोधी नहीं थे, ब्राह्मणों के भी विरोधी नहीं थे। वास्तव में उनका विरोध तो अन्याय के खिलाफ था, उनका विरोध गलत परंपराओं के खिलाफ था, उनका विरोध गलत मान्यताओं के खिलाफ था, गलत जो भ्रांतियां समाज के अंदर हैं उसके लिए था। वास्तव में वे ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। सर्वप्रथम जिस शिक्षक ने उनको अपना सरनेम दिया वे ब्राह्मण ही थे। कृष्णा जी कैलुस्कर, जिन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ के पास जाकर के, बड़ौदा नरेश के पास जाकर के छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, उनके विदेश पढ़ने की भी व्यवस्था की, वे एक ब्राह्मण ही थे। अपने कृष्णा जी कैलुस्कर ने उनको भगवान बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी भी दी थी, वही जीवनी उसको पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर के मन में भगवान बुद्ध के प्रति एक अमिट छाप जीवन में पड़ गया था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जो ब्राह्मण जो सहयोग किए उसमें अन्य कई लोग भी थे। गजेंद्र गढ़कर, उनको उन्होंने मिलिंद कॉलेज के प्राध्यापक नहीं तो प्राचार्य बनाए। लोगों ने प्रश्न किया, आप तो ब्राह्मण के विरोधी थे फिर भी उसको प्राचार्य बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का उत्तर था, वास्तव में मैंने योग्य व्यक्ति का चयन किया है। आसोलकर जी एक गरीब ब्राह्मण थे, उनको भी उन्होंने एक गरीब होने के नाते विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश दिया। आगे चल करके उस महाविद्यालय में वो प्राध्यापक भी बनते हैं। चौदार तालाब का जब सत्याग्रह चल रहा था तो कुछ सत्याग्रहियों ने कहा था इस आंदोलन को अहिंसक रखा जाए और किसी भी ब्राह्मण को इस आंदोलन में भाग लेने न दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह मानना कि हर एक ब्राह्मण तथा कथित अस्पृश्य समाज का शत्रु है, इस धारणा को ही मैं स्वीकार नहीं करता। जो भी आना चाहे इस सत्याग्रह में, इस आंदोलन में, वे सभी आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के, किसी भी जाति पंथ के हों। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसविदा समिति के अध्यक्ष करके उसको चुना गया था। 6 महीने के अल्प अवधि में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को सब प्रकार से एक बड़ा संविधान बना करके दिया। आज उसी के संविधान के आधार पर ही यह देश सब प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है। संपूर्ण भारत, संपूर्ण देश संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के हित के लिए भी काम किया। 1938 में मुंबई के अंदर एक बिल आया था, श्रमिकों के विरोध में ही वो काला कानून जैसा था। उस बिल के अंतर्गत कोई भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, उनको समझौता करने की बाध्यता थी, वे कोई संगठन बना नहीं सकते थे। 22वीं काउंसिल के जब सदस्य थे बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय वे कानून मंत्री भी थे। उस समय उन्होंने 1943 सितंबर में लेबर मजदूरों के लिए उन्होंने परिषद बनाया और बाद में लेबर ला श्रम अधिनियम भी बनाया नवंबर महीने में। ऐसे उस अधिनियम के अंतर्गत आज मजदूरों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं वे सब पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। चाहे वो न्यूनतम मजदूरी का विषय हो, 8 घंटे काम करने का विषय हो, श्रमिक कल्याण कोष का विषय हो, श्रमिक कल्याण निधि का विषय हो, मातृत्व लाभ का विषय हो, बाल और महिला मजदूरों के संरक्षण का विषय हो, सारे विषय पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के हित में उस समय किए थे। वे किसानों के हितैषी भी थे। उस समय 2 प्रथाएं चलती थी, एक रैयत वाली और दूसरी खोत की प्रथा। रैयत वाली प्रथा में सरकारी अधिकारी कर अथवा लगान वसूल करते थे, लेकिन खोत पद्धति में जो मालगुजार हैं वो लगान वसूल करने का काम करते थे। ये मालगुजार लगान के साथ साथ कई ऐसी कीमती चीज़ें भी किसानों से अपने पास में रख लेते थे। ऐसे इस बुरी प्रथा को पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दूर किया। इतना ही नहीं तो उसने लैंड सीलिंग एक्ट भी पास किया। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों का हित कैसे हो सकता है, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, इन सब विषयों का किसानों के लिए उन्होंने उपयोग किया। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर मार्क्सवाद के उस चिंतन के घोर विरोधी थे। मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, इसके आधार पर मनुष्य की आकांक्षाएं और उनकी इच्छाएं पूर्ति होती है, पूंजी ही उसकी शक्ति होता है।
यह जो विचार हैं, इस विचार के बाबा साहब कट्टर विरोधी थे। वे कहते थे केवल अर्थ ही सबसे बड़ी शक्ति है, यह धारणा ही गलत है। जब तक के सामाजिक शक्ति और धार्मिक शक्ति न हो, तब तक के अर्थ की शक्ति का कोई महत्व नहीं है। भारतवर्ष का इतिहास बताता है, इस देश के लाखों लोग साधु संतों और फकीरों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। वास्तव में शक्ति का उद्गम स्रोत तो धर्म ही है। यदि धर्म को गौण मानकर अथवा धर्म की उपेक्षा करके हम कोई काम करेंगे तो किसी भी प्रकार से आर्थिक समता हम ला नहीं सकते। ऐसे साम्यवादी चिंतन के वे कट्टर विरोधी थे। 1937 में मैसूर के अंदर एक सभा में उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं कम्युनिस्टों के साथ जाकर के मिल जाऊंगा, यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, इसकी जरा भी संभावना नहीं है। जो कम्युनिस्ट अपने स्वार्थों के चलते मजदूरों का शोषण करते हैं, उनका मैं घोर विरोधी हूँ। एक बार दापोली की शाखा में बाबा साहब अम्बेडकर आए हुए थे, वहाँ मान्यवर दत्तोपंजी ठेंगड़ी से उन्होंने कहा कि साम्यवाद और दलितों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर एक बैरियर है। ऐसे साम्यवादी चिंतन के विरोधी थे। बाबा साहब अम्बेडकर आर्य जो सिद्धांत अंग्रेजों ने दिया था, आर्य जाति भारतवर्ष में आक्रमण करने के लिए आई हुई थी, इस सिद्धांत को भी उन्होंने गलत साबित किया। आर्य यह भाषा सूचक शब्द है, नस्ल सूचक शब्द नहीं है। वास्तव में दास और दस्यु का अर्थ द्रविड़ों से किया जाता था, उसको भी उन्होंने गलत साबित किया। चेहरा के आधार पर, बाल के आधार पर और शारीरिक बनावट के आधार पर आर्यों को जो भिन्न बताने की बात थी, उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत साबित किया। इतना ही नहीं तो वो कहते थे कि ऋग्वेद में 23 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, किंतु एक भी बार नस्ल सूचक शब्द के रूप में नहीं है। हर बार 3300 बार वह गुणवाचक शब्द के रूप में उपयोग में हुआ है। बाद में मैक्स मूलर ने भी इसको स्वीकार किया, आर्य यह जो शब्द है यह नस्ल सूचक शब्द नहीं है, यह भाषा सूचक शब्द है। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 370 का भी विरोध किया। संविधान के अंदर जब धारा 370 की बात आई तो उन्होंने कहा, मैं इस देश का कानून मंत्री हूँ, मैं देश के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं कर सकता, इस देश के सब नागरिकों को एक समान रूप से कानून का लाभ मिलना चाहिए। जब चीन ने तिब्बत पर हमला करने की कोशिश की, उस समय भी उन्होंने देश को सावधान किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत पर यदि चीन का हमला होता है और हस्तगत करता है तो चीन की सीमा भारत के सीमा से सट जाएगी, इसलिए एक चीन जो हमारे लिए सब प्रकार से बफर स्टेट का काम करता है, उसे हम वंचित हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक स्थानों पर राष्ट्र के लिए उन्होंने सब प्रकार से आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया। एवला कॉन्फ्रेंस में 1935 के आसपास उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू होकर के जन्मा तो हूँ, किंतु हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। हिंदू होकर के जन्म लेना मेरे अधिकार में नहीं था। जब उन्होंने घोषणा की तो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान और ईसाइत के मानने वाले ईसाई, उनको अपने मत में दीक्षित करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न प्रारंभ किए, कई प्रकार से प्रलोभन उनके सामने प्रस्तुत किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर चिंतन करने लगे। संत गाड़गे महाराज ने कहा कि मतांतरण करना है, धर्मांतरण करना है तो करो, किंतु मुसलमान अथवा ईसाई नहीं बनना। बाबा साहब अम्बेडकर ने गंभीर चिंतन मनन किया। उन्होंने कहा, ऐसा धर्म जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को खतरा में डाल दे, ऐसा धर्म जिसके कारण अल्पसंख्यक यहाँ के अराष्ट्रीय हो जाए, ऐसे किसी भी धर्म को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं मुसलमान बनता हूँ तो उसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी और यहाँ पर मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, और यदि ईसाई बनता हूँ उसकी भी संख्या बढ़ेगी और अंग्रेज सरकार का प्रभुत्व यहाँ स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा जिससे इस देश की क्षति हो। महात्मा गांधी से बातचीत करते समय उन्होंने कहा, बापूजी, मेरे आपसे अस्पृश्यता पर गंभीर मतभेद हो सकते हैं, किंतु यदि अवसर आएगा तो मैं ऐसे मार्ग का अवलंबन करूंगा जिससे इस देश को अधिक से अधिक हित हो।
मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही भाग है और इसीलिए मैंने सोचा है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करके मैं भारत का अधिक से अधिक हित कर सकूं। वास्तव में बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर केवल आर्थिक दृष्टि से सोचने वाले होते तो साम्यवाद का विरोध नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर धार्मिक दृष्टि से भी सोचने वाले थे। उनके गुरु तो संत कबीर थे, महात्मा ज्योतिबा फुले थे और गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे। वास्तव में ये उनके गुरु थे। ऐसे उनके गुरु रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर पदार्थवादी सोच के कभी हो नहीं सकते थे। ऐसे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन हर दृष्टि से हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन मूल्यों पर आधारित था। 1952 में भवन निर्माण समिति के लोगों के साथ बातचीत करते उन्होंने कहा कि गरीबों की जो धन है, जो दान के द्वारा हमको प्राप्त होता है, उस दान की राशि का एक एक पाई पाई का हिसाब रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सार्वजनिक धन को समय समय पर जनता के सामने रखना, इससे बढ़कर के पवित्र काम कुछ भी नहीं है। और जीवन भर उन्होंने इस पवित्रता का, आर्थिक शुचिता का ध्यान रखा। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन हर दृष्टि से हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। संविधान सभा का उनका भाषण 1949 का हम सब लोगों के लिए बड़े महत्व का है। उन्होंने कहा था, क्या भारतवर्ष अपने राजनीतिक संप्रदाय को श्रेष्ठ मानेगा अथवा राष्ट्र को श्रेष्ठ मानेगा? जिस दिन भारतवर्ष के लोग अपने राष्ट्र को राजनीतिक दलों से श्रेष्ठ मानेंगे, उस दिन देश के उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। जब तक हम अपने राजनीतिक दल को ही सर्वे सर्वा मानेंगे, राष्ट्र को गौण मानेंगे, तो इस देश को कोई बचा भी नहीं सकता। राष्ट्र उनके जीवन में सर्वोपरि था। वे कहते थे, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया भारतवर्ष पर, तो महाराजा दाहिर सेन का पराभव क्यों हुआ? महाराजा दाहिर सेन का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम से जाकर के मिल गया, विश्वासघात किया। मोहम्मद गौरी को बुलाने वाला पृथ्वीराज के खिलाफ कौन था? जयचंद था, इस देश का था। उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने देशद्रोह किया। छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ रहे थे तो कुछ मराठे सरदार उनके खिलाफ जा रहे थे। ऐसे कई प्रकार के राजपूत लोग भी उनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे। वास्तव में इस मानसिकता को गहराई में दफन करना पड़ेगा। इस देश के हर नागरिकों के अंदर राष्ट्र सर्वोपरि का भाव लाना पड़ेगा। इस देश के अंदर गहरी मूलभूत एकता है जो भौगोलिक एकता से कई गुना गहरी है। वास्तव में दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इस विषय में भारत की बराबरी कर सके। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर ने दामोदर वैली प्रोजेक्ट को भी बहुत कम समय में, 4 वर्ष में पूरा किया। बिहार और बंगाल के लिए बिजली, पेयजल की आपूर्ति, कृषि के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जैसे विषयों को लेकर के यह प्रोजेक्ट निर्माण हुआ था। केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों का समन्वय बिठाना और उसके बाद भी इसको कम समय में प्रस्ताव को पास करना और बहुत रिकॉर्ड 4 वर्ष की अवधि में उसको देश को समर्पित करना, यह भी बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। ऐसे देश के हर विषय में, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा राष्ट्र का विचार किया, देश का विचार किया। वे उन्होंने किसी से शत्रुता नहीं की, शत्रुता थी उन मान्यताओं, उन परंपराओं से जो देश को कमजोर करते हैं। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर हम सब लोगों के लिए एक महामानव के तौर पर हैं। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस देश की स्वतंत्रता, समता यह टिकी रहेगी केवल बंधुता के आधार पर ही। यदि बंधुता का अभाव छोड़ दिया तो इस देश की स्वतंत्रता और समता भी टिकी नहीं रह सकेगी। स्वतंत्रता और समता के लिए अनिवार्य शर्त है बंधुता, अर्थात आपस का भाईचारा, आपस की आत्मीयता। वास्तव में आज भारतवर्ष यह जो बंधुता है उसका संदेश दे रहा है। वैश्विक महामारी के दौर पर भी वसुधैव कुटुंबकम, मानव जाति के कल्याण के लिए भारत अपने कदम बढ़ाया है। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर को आज याद करने की आवश्यकता है। यह बंधुता का भाव पारे पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर भी दिखाई देता है। आज लाखों हाथ ऐसे अभावों के बीच में, जिन लोग
पीड़ित हैं, जहाँ पर सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, ऐसे सब लोगों के बीच भोजन की सामग्री औषधि लेकर के लाखों हाथ बढ़े हैं। यह बंधुता का ही परिचायक है, यह समाज के प्रति आत्मीयता का ही परिचायक है। मार्क ट्वेन के शब्दों को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत मानव जाति का पालना है, भाषाओं की जन्मभूमि है, इतिहास की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। दुनिया के अंदर जो भी सृजनशील तत्व है वह सब भारत के अंदर है। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, सबल राष्ट्र बनेगा तो विश्व का मंगल होगा। भारत सबल राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है, भारत सबल राष्ट्र बन रहा है। हम सब देख रहे हैं हर एक क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हम सब लोगों को पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कटुता न रखते हुए समाज के बंधुओं को अपना मानकर व्यवहार करने की आवश्यकता है। बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा पुरुष के नाते विद्यमान है। आज वे नहीं हैं, किंतु उनके विचार, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व हम सब के सामने हैं। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि चरण पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। संपूर्ण भारत माता की जय सारी दुनिया के अंदर गुंजायमान होकर के रहेगी। ऐसे महापुरुषों के बल पर, ऐसे महामानवों के बल पर देश सतत आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग भी अपने कदम बढ़ाएं। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।